जो निश्चित तौर पे इससे पहले भी जो जॉब सॉल्व कर चुके हैं और आगे भी हम लोग जॉब सॉल्व करते रहेंगे, बिहार के युवा को कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, कैसे उनको नौकरी मिले, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में ना जाए, उस पर ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे। उस पर हम लोग ज्यादा चिंतित है कि हमारा बिहार के बिहारी युवा बिहार में रोजगार मिले, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर वही हिंदू हिंदू मुसलमान, आप बताइए इस देश में चुनाव हो रहा ना भाई, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? हिंदू मुसलमान ये सब 365 दिन है कीजिएगा ना, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना कि जो सरकार ने जो वादा किया वो हुआ कि नहीं हुआ। अब हिंदू मुसलमान कौन क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, सनातन, ये सब चीज पे क्यों डिस्कशन लेना? और 10 साल से मोदी जी हैं तो इसको जो भी करना है उसको करना चाहिए ना उनको। अब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, क्या बोले? तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, और जो लोग बोल रहा है घट रहा है उनको बोलिए बढ़ाने के लिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमको, हम दो हैं, हमारे दो होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। अब बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े कोई रोका है? अभी उनमें अगर लिखा है कि भाई हिंदू में भाई एक शादी होगा, दूसरा शादी नहीं हो सकता जब तक डिवोर्स नहीं होगा, ये भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, उनको इस सच पे अगर कंट्रोल बढ़ाना है तो इसमें मोदी जी या भारत सरकार सोचे क्या करना है। इसमें विपक्ष से क्यों सवाल कर रहा है, जनता के बीच में क्यों बात कर रहे हैं? विपक्ष चिंता मानने की, इस विषय पे क्या चिंता मानना है? कम होगा संख्या, नहीं नहीं, इसमें हमको क्या चिंता मानने की जरूरत है? हम तो, हमको इतना मालूम है जितना छोटा परिवार होता होगा उतना सुखी होगा, जितना बड़ा परिवार होगा उतना परेशानी होगा, महंगाई है, परेशानी है, उनके लिए हर चीज का व्यवस्था देना है। हम देखिए, हम खाली बच्चे को जन्म देकर उसको छोड़ने के लिए नहीं है ना, हमारे बच्चे से बहुत लगाव होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचा स्थान पर जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से केयर करना पड़ेगा। अब जहां मान लीजिए कि जब बहुत ज्यादा संख्या में हो जाएगा तो आप नहीं ना केयर कर सकते हैं, तो बाकी हम किसी को रोक नहीं रहे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो जिनको बढ़ाना है तो बढ़ाए, और हमको, हम मानते हैं कि हम दो हमारे दो, इसमें हम सुखी रहेंगे, जिनको बढ़ाना वो बढ़ाए। और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में रोजगारी कहाँ है, लोग किसान आत्महत्या कर रहा है, उनका आय कैसे दुगुनी होगा, मोदी जी बोले कि हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, वो कब बना के देंगे, तो ये सारे चीजों को बोलना। अभी भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ का भी घर नहीं बना, 1 करोड़, और वो लोग दावा ठोक रहे 4 करोड़ घर बनाए, बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विरासत करेंगे। अरे ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग है। विकास और विरासत जो आप बोल रहे हैं ये सब ढोंग है, ढोंग ढोंग करना बंद कीजिए और जनता के बीच में आइए। मैं देश के पढ़े लिखे नागरिक से, हर जाति धर्म से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आपके पास सोचने समझने का विवेक बुद्धि है, ये देश आपका है, ये देश आपका रहेगा, या आप मालिक हैं, आपके पास वोट गिराने का अधिकार है, आप सही से सोच समझकर वोट गिराइए, वन साइड नहीं कीजिए।